मुझे है ना वो दीदी को देख के ना प्रेगनेंट दीदी को देख के कबीर सिंह के एक सीन है ना प्रीति, हाँ प्रीति की याद आ गई। गाइस ये जगह को मुझे देख कर ना सिंगापुर की याद आ गई। सिंगापुर में भी ऐसे एक प्लेस है ना बहुत ही ज्यादा फेमस है। हेलो गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे स्काई ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। स्काई ट्रेन से जाने वाले हैं हम लोग अशोक पे, मैं अभी हूँ पतुनाम पे, पतुनाम से जाने वाले हूँ अशोक। अशोक जाने के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, टिकट है एक पर्सन को 25 बात। तो हम लोग 25 बात से जाने वाले हैं। 4th स्टेज पे हम लोग को उतरना पड़ेगा, उसके बाद पहुँच जाएंगे पार्क। मेरे दोस्त ने बोला बहुत ज़्यादा सुंदर है, सच में सुंदर है या नहीं है वो जाके देखेंगे। ओके चलो आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलते हैं और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता देना सच में सुंदर है या नहीं है। ओके अभी मेरे चेहरे व्हाइट हो गए ना, पहले रेड हुआ रखा था क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब व्यू है। देखो मतलब बहुत अच्छा है। एक मिनट देखो इतना सुंदर है ना, वो तारा मेरे चेहरे पे आ रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। ट्रेन ऑलरेडी आ गई है, बहुत सारे लोग हैं यार ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ से जाऊँगी। ओ ये का दुखा खुला है, नहीं ये वाला खुला है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पार्क, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहीं से ही। ओके आप लोग वाव करना, अगर अच्छा नहीं है तो एम करना, स्टिकर सेंड कर देना। ओके कमेंट पे वाव। गाइस आप लोगों को कैसे लगा बताओ। वो वेरी 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 नाइस। हाँ बहुत सुंदर है यार गाइस देखो। वो यार बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रिलैक्स कर रहा है। दिखा देखो कितना सुंदर है यार, कितना बड़ा है। यहाँ पर लोग आगे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और यहाँ पे रील्स भी बना रहे हैं, कुछ लोग टिकटॉक बना रहे हैं और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए हुए हैं यहाँ पर। और ये इसके सामने है पानी, मतलब यहाँ पर धूप भी नहीं आ रहा है और मतलब बहुत शीतल है। मुझे तो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके। और मैं ना अगली बार छुट्टी होंगी ना मेरे और मैं यहाँ पर आऊँगी और पूरे दिन रील्स बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे फूल है, देखो यहाँ पर अलग अलग रंग का है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, आके डेट कर सकते हैं यहाँ पर, कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ आएंगे तो मतलब अच्छे फोटो क्लिक कर पाएंगे और अच्छे टिकटॉक बना पाएंगे, अच्छे रील्स बना पाएंगे। यहाँ पर क्या शो हो रहा है वो जगह देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ओ बहुत बड़ा पार्क है यार गाइस, ये बहुत बड़ा है। मुझे है ना वो दीदी को देख के ना प्रेगनेंट दीदी को देख के कबीर सिंह की एक सीन है ना, कबीर सिंह की मूवी एक सीन है ना प्रिया, उसका नाम प्रिया है ना, प्रीति प्रीति, हाँ प्रीति की याद आ गई। प्रीति भी ऐसे चेयर में ही बैठी हुई थी और कबीर का नहीं किसका पता नहीं इंतजार कर रही थी, नहीं पार्क में घूमने के लिए आई थी ना, एक सीन भी है। हाँ फिर कबीर को मिलने के लिए आ गए कुछ ऐसा है। गाइस ये पार्क आके ना मुझे ऐसे लगा कि है ना मैं जापान आ रही हूँ। कितना सुंदर है यार, अच्छा आ जाओ।
बार तो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे चुना नहीं लगाई, वरना तो है ना वो मुझे चुना लगाते हैं, ये जगह अच्छा है वो जगह अच्छा है, अगर मैं जाती हूँ ना वो जगह ही अच्छा नहीं होता है। मैंने आप लोगों ने बताया कि मैं मेरी फ्रेंड को बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, अभी अभी मैंने बुरा कह दिया और बुरा नहीं कहना चाहती यार। एक बार हम लोग उधर से जाएंगे, आप घर जाएंगे, क्योंकि मुझे है ना अभी हेयर वॉश करना है, ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो मम्मी मुझे हेयर वॉश करने के लिए नहीं देंगे, इसलिए मैं अभी आप लोगों को और कुछ है जगह, एक जगह है वो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं जा रही हूँ घर। ठीक है गाइस, ये जगह को मुझे देख कर ना सिंगापुर की याद आ गई। सिंगापुर में भी ऐसे एक प्लेस है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हाँ ये मतलब सेम तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, पर उसके याद दिला दिया है ना। देखो ना वैसे ही सही बिल्डिंग, वहाँ पर तो एक बोध भी होता है ना, और ये फोर बिल्डिंग है, मुझे लगा तीन ही है पर फोर है, वहाँ पर एक और है। देखो ये जो पार्क है ना, इस पार्क में अगर हम लोग 2-3 बजे आएंगे तो है ना बहुत ही अच्छे फोटो एवरीज आ जाएंगे सच में। अभी तो अंधेरा हो गया, देखो 6:30 हो गया है ना, 6:30 बज चुका है, उस वजह से अभी मैं ये वाला जगह आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर ये जगह है ना पूरा दिखना है तो है ना मुझे सुबह से आना होगा, तब भी मैं आप लोगों को पूरा दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक और जगह है, देखो गाइस मुझे लगा फिनिश हो गया है पर बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग नहीं, जब भी मैं ये पार्क में आऊँगा तब। अभी ये देखो ये मतलब यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, मतलब कितना सुंदर है ना, कितना ज़्यादा सुंदर है। कैमरा में इतना सुंदर नहीं आ रहे होंगे पर बाहर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। और ये पार्क के अंदर आने के लिए ना आप लोगों को पैसे देना नहीं पड़ता है, बस आप लोगों को आने के लिए ही पैसे लगेंगे, यहाँ पर अंदर घुसने के लिए आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे गाइस। तो प्लीज़ आ जाना गाइस, अशोक आप लोग टिकट ले लो और नाम से आओ, और नाम सेंट्रल वॉक बिक्सी मॉल से यहाँ पर आ सकती है ट्रेन स्टेशन से, ठीक है। और बोलो कि अशोक, ठीक है, अशोक में आप लोग उतरो, वहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेके स्ट्राइक लेके यहाँ पर पहुँच जाएंगे आप लोग। इसका नाम मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूँगी, क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं पता है नाम। वाह देखो ना, कितना सुंदर है, इधर में भी है, ये तो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी जब मैं आऊँगी ना तब। अभी तो मतलब अंधेरा है ना तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ये इस पार्क का नाम है वंचकिति पार्क, थाई में लिखा हुआ था तो मुझे थाई पढ़ना तो नहीं आती है तो मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया, तो वैसे दिखा रहा है इंग्लिश में वंचकिति पार्क। पर एक बार आप लोगों को कंफर्म करके बताऊंगी कि है ना ये पार्क का नाम क्या है, अभी कंफर्म नहीं है, पहले कंफर्म होने दे दो उसके बाद ही लेना मेरी बात को सीरियस, क्योंकि फिर गलत हो जाएंगे तो है ना अच्छा नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनादर डे। तो कल मैं कर रात पहुँच के है ना बहुत ज़्यादा दांत खाई, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग को वहीं पे स्टॉप कर दूँ, इसलिए आज स्टार्ट किया हूँ। और गाइस आप लोगों को पता है मुझे ना ये दुकान पे काम करते हुए आज 37 कंप्लीट हो गए है, 37 डे। मैंने क्या सीखा पता है आप लोगों को, मैंने सीखा है जहाँ भी आप काम करो है ना उस काम पे अगर आपकी सैलरी नहीं भर रही है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर ना लोगों का प्यार जीत लो, अगर लोगों का प्यार भी नहीं जीत सकते है ना कोई बात नहीं, वहाँ पर जो हो रहा है चीज़ें उसको सीखो। मुझे है ना बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे पीछे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे सामने होते हैं ना कैसे होते हैं मुझसे उससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को मेरी एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग को बता रही हूँ। मुझे बैंकॉक में काम करते हुए बहुत साल हो गए तो मैंने ना बहुत कुछ सीखा है, अगर मैं बिजनेस भी करना चाहूँगी ना तो भी मेरे पास बहुत कुछ आइडिया है, पर मैं उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं हूँ, मैं अभी तक दूसरों ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ बनना है, ये नहीं कि मुझे ना ऐसे बिजनेस में मतलब बिजनेस के लाइन में जाना है, मुझे अगर जाना है तो मुझे पता है मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगी, क्योंकि मुझे उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा जो मैं बनना चाहती हूँ मैं वो बनूँगी, और उसके लिए ना मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना वो मैं कर लूँगी। ये फिर मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, किस पोते हैं कि ब्लॉगिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।